बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत धार टिटो का जुरासी गांव आज भी सड़क की समस्या से जूझ रहा है और आजादी के बाद सड़क की समस्या से काफी परेशान है, जिसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल अधिशांशी अभियंता लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 2 बिशपनाथ पराशर से मिला। युवक मंडल प्रधान कुलदीप ठाकुर ने बताया कि जुरासी सड़क का निर्माण कार्य जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है, उसकी फाइल वन विभाग से निर्माण करने की अनुमति के लिए देहरादून भेजी गई थी, जो पिछले 8 से 9 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत धार टिटो का जुरासी गांव आज भी सड़क की समस्या से जूझ रहा है और आजादी के बाद सड़क की समस्या से काफी परेशान है, जिसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल अधिशांशी अभियंता लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 2 बिशपनाथ पराशर से मिला। युवक मंडल प्रधान कुलदीप ठाकुर ने बताया कि सोलग रोडी कोहल जुरासी सड़क का कार्य जो पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है, उसकी फाइल वन विभाग से निर्माण करने की अनुमति के लिए देहरादून भेजी गई थी, जो पिछले 8 से 9 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई है, जिसके लिए आज एक प्रतिनिधिमंडल विभाग से मिला तथा इस फाइल को जल्दी निपटाने का आग्रह किया, ताकि उपरोक्त सड़क का निर्माण सुचारू रूप से चल सके, अन्यथा जुरासी गांव के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इस सड़क की समस्या को लेकर जुरासी गांव के लोग कई दफा जिलाधीश पर लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। 10 सितंबर 2019 को जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने बचत भवन में आयोजित मीटिंग के दौरान लोक निर्माण विभाग को इन आपत्तियों को दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। उसके बाद भी जुरासी गांव के कई प्रतिनिधि मंडल लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता से इस सड़क की समस्या को लेकर मिले, लेकिन आज दिन तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले दिनों 1 जनवरी 2020 को पंजगाई में आयोजित जनमंच में भी इस समस्या को जोर शोर से उठाया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज दिन तक जमीन पर नहीं दिखी। प्रतिनिधि मंडल में शामिल युवाओं ने कहा कि 15 अक्टूबर 2019 को वन विभाग, महकमा माल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा डंपिंग साइट को लेकर निरीक्षण किया गया, लेकिन आज दिन तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि सड़क न होने से जुरासी गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए आज भी पालकी पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। कई पशु रास्ते से गिरकर मर चुके हैं और कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव तक सड़क का न पहुंच पाना बहुत ही निराशाजनक है। इस प्रतिनिधि मंडल में सचिव युवक मंडलधार टिटो राजतिलक ठाकुर, प्रधान कल्याण युवक मंडल सोलग रघुबीर सिंह, उप प्रधान पंकज ठाकुर, प्रधान युवक मंडल कवाली टिटो, राजकुमार पंकज लक्की, अभिषेक अरुण आदि युवा उपस्थित रहे। पिछले लगभग 15-16 वर्षों से जो सोलग्रासी रोड का जो मामला लटका हुआ है, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के जो एक्शन साहब हैं, उनसे मिलने के लिए आज एक प्रतिनिधिमंडल जो है धाटों से आया हुआ है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यह रोड जो है लगभग पिछले 15-16 वर्षों से जो है वहां के स्थानीय लोगों की ये समस्या है, और ये डिमांड प्रशासन और सरकार के सामने पिछले 15-16 वर्षों से रख रहे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। कई दफ़ा हम जिला प्रशासन, सरकार और विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन और अभी पीछे पंजगाई में जो जनमंच था जनवरी महीने में, उसमें भी इस मांग को रखा गया, लेकिन आज दिन तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जुरासी के लिए जो ये जो रोड निकलना है, ये बहुत ही दुर्गम है, और लगभग इसके लिए जो है नाबार्ड में जो है 2,35,35 लाख रुपये के लिए भी बजट आया था, लेकिन 33 लाख का बजट लगने के बाद ये जो रोड है इसको फॉरेस्ट एनओसी के ना मिलने के कारण इसको बंद कर दिया गया। लेकिन पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक विभाग फॉरेस्ट एनओसी जो है क्लियर नहीं करवा पा रहा है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी समस्या है, अगर कोई हमारा बुजुर्ग या कोई भी जैसे गर्भवती महिला है, उनको उठा के जो है रोड तक लाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें पशु जो है नीचे लाने हो तो कई तो पशु हमारे वहाँ पे मरे भी गए,
और बुजुर्गों को अगर बीमार हो जाते हैं, नीचे लाना हो तो 8-10 लोग तो पहले इकट्ठा करें, फिर पालकी में उसको डालें और रोड तक लाए। कई दफ़ा तो बीच रास्ते में ही लोगों को जो है मौत का शिकार हो गए हैं। इसलिए सरकार से और प्रशासन से दोबारा हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि हम स्थानीय लोगों की इस मांग को देखते हुए और समस्या को देखते हुए जल्दी से जल्दी इसका जो है निवारण करवाएं।